हेलो स्टूडेंट, लॉजिक किचन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन में रस समीकरणमिति दोष, जिसे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक दोष भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको पहले से बता दिया है कि रस समीकरणमिति दोष क्या होता है। इसमें दो प्रकार होते हैं। अनेक ठोसों में जो पाया जाने वाला दोष होता है, एक मृत्तिका दोष होती है, एक अंतरागाछी दोष होता है, जो कि अनेक ठोसों में पाया जाता है। अनेक दोष के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जिसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होता, ठीक है। और अनेक दोषों में पाया जाने वाला दो और अपने पास क्या है, दोष है, एक शॉर्ट की दोष है, एक फ्रेंड का दोष है। मैंने दोष के बारे में आपको इसकी पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी ही बता दिया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रस समीकरणमिति दोष के अंतर्गत वृत्तिका दोष, अंतरागाछी दोष जो कि अनेक दोषों में पाया जाता है, शॉर्ट की दोष, फ्रेंड का दोष जो कि अनेक दोषों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्तिका दोष, जो कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है। तो वृत्तिका दोष में अपने को एक आदर्श क्रिस्टल चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे आदर्श क्रिस्टल लेके बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बिंदु लिखा हूँ ये क्या है, एक क्रिस्टल का जालक बिंदु है। मैंने आपको जालक बिंदु के बारे में बता दिया है, एक क्रिस्टल का जालक बिंदु है। और जालक बिंदुओं को मैंने सुव्यवस्थित तरीके से, नियमित तरीके से, निश्चित तरीके से उसका जगह फिक्स कर दिया है, यानी इसमें कोई भी दोष आपको नहीं मिलेगा। और जिसमें कोई भी दोष नहीं मिलता वो अंदर क्रिस्टल होता है, वो अपना आदर्श क्रिस्टल होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जितना भी मैंने यहाँ पे आपको क्रिस्टल लेके दिया है, सभी में क्या है, आदर्श क्रिस्टल आपको दिया है। अब इन आदर्श क्रिस्टलों में जो दोष मिलेगा मैं आपको लाइन से बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आज मेरा टारगेट है वृत्तिका दोष, अंतरागाछी दोष, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष को अच्छे से बताऊँ। साथ ही साथ में शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर होता है, जो कि एग्जाम के मामले में आता है, उसको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृत्तिका दोष। वृत्तिका दोष में मैंने यहाँ पे एक आदर्श क्रिस्टल लिया है, ठीक है। अब वृत्तिका में अपने को क्या रहेगा, व्यक्ति बनाना रहेगा। ऐसे समझ लो कि अपने को यहाँ से समझ लो कि अपने को ये जो छोटे छोटे जो आपको जलक बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, अवयवीकरण अणु परमाणु आयन उपस्थित होते हैं, उसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो इस क्रिस्टल से मैंने इसको निकाल दिया बाहर, तो एक और बाहर निकाल दिया। चलो यहाँ पे देखिए, मैंने दो जालक बिंदु चले, क्योंकि दो ही जालक बिंदु, आप चाहो तो कितना भी जालक बिंदु निकाल सकते हो, लेकिन बात ये याद रखना कि अपनी रस समीकरणमिति बनी रहे, यानी पहले भी जितना अनुपात आता रहा होगा जालक बिंदु में, वो बाद में भी उतना ही अनुपात आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से दो को क्या निकाल दिया, जालक बिंदु निकाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, व्यक्ति बच जाएगी। एक इसी प्रकार जब व्यक्ति बच जाने से एक दोष उत्पन्न हो जाता है, खाली जगह बन गया, तो यहाँ पे व्यक्ति बन जाती है, यही दोष क्या कहलाता है, व्यक्ति का दोष कहलाती है। ये अब इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे लिखने वाले, ध्यान से किसी आदर्श का मतलब आदर्श क्रिस्टल में किसी आदर्श क्रिस्टल के जालक बिंदु, आदर्श क्रिस्टल के जालक बिंदु को जालक क्रिस्टल जालक से, इसको क्रिस्टल जालक से मतलब इससे उसके स्थान से क्रिस्टल से बाहर निकाल देने से उसके स्थान पर जो रिक्ति बन जाती है, जिससे इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, रिक्तिका दोष कहा जाता है, ठीक है। इसको अब दिमाग इसमें जो आपकी परिभाषा हो गई, इसको आप लिख लो जो मैंने बोला है, ठीक है। अब इसके जो निष्कर्ष निकला कि इस वृत्तिका में जो दोष पाए जाने से, इस जो क्रिस्टल में दोष पाने की वजह से क्या निष्कर्ष निकला, क्या क्या हुआ, इससे अपना सिस्टम कैसे हो गया, अपना क्रिस्टल कैसे हो गया, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि चूंकि यहाँ से जलक बिंदु यानी जिसमें अवयवीकरण उपस्थित होते हैं वही क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला गया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो क्रिस्टल होगा उस पर तो भार कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो अपने जलक बिंदु थे उनके भी कुछ ना कुछ तो भार रहे होंगे। तो यहाँ से आपका जलक बिंदु निकल जाने से इस क्रिस्टल का भार, चूँकि हम लोग उसको द्रव्यमान भी कहते हैं, ये क्या हो गया, कम हो गया, ये कम कर चीजें में कम ऐसा होगा होगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, हम जानते हैं घनत्व का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बोलो चाहे भार बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके समानुपाती में समान में क्या है, घनत्व है, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर द्रव्यमान कम हो जाएगा तो घनत्व का कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती है, यानी उन्हीं के अनुसार क्या होगा, ये भी परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान अगर कम हो जाने से क्या हो जाएगा, उसका घनत्व भी कम हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। लेकिन आयतन के बारे में, आयतन का मतलब होता है जितने जलक बिंदु उसमें आते थे, क्या अभी भी उसमें उतने जलक बिंदु आ सकते हैं,
उड़ा सकते हैं, यानी कि इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आयतन क्या रहा? अपरिवर्तित रहा, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपरिवर्तित अपरिवर्तित इसके आयतन क्या रहा? अपरिवर्तित। इस प्रकार हम लोगों ने समझा रिक्ति का दोष, जिसमें रिक्ति उत्पन्न हो जाते हैं एक बार में, याद रखना ठीक है। अब लोग आते हैं अंतराकाशीय दोष में, जो कि सेकंड नंबर में है अनायक ठोसों में। तो अनायक ठोसों में क्या होता है? मैं क्रिस्टल लिया हूँ, आदर्श क्रिस्टल लिया हूँ जिसमें कोई भी दोष नहीं है। तो इस आदर्श क्रिस्टल में अपने को क्या करना है? दोष नकारना है। तो इसमें हम लोग अंतराकाशीय स्थान में ही क्या करने वाले हैं? जल बिंदुओं को भरने वाले हैं। नाम से बता रहा हूँ आपको, तो मैं बाहर से कोई जल बिंदु लेकर क्या कर दूंगा? यहाँ पे अंतराकाशीय स्थान पे ये क्या होता है? अंतराकाशीय स्थान होता है, लेकिन अंतराकाशीय रिक्ति बोला जाता है। अंतराकाशीय रिक्ति या फिर अंतराकाशीय स्थान पर हम बाहर से क्रिस्टल के बाहर से जल बिंदु ला ले आकर के क्या करेंगे? इस क्रिस्टल के अदर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थानों में क्या कर देंगे? जल बिंदु को बिठा देंगे, रख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? अपना ही क्रिस्टल क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही सिक्वेंस में था, सिक्वेंस गड़बड़ा के इसी प्रकार एक और बाहर से लिखा कि यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंतराकाशीय स्थान में बाहर से जल बिंदु आने से आपका क्रिस्टल क्या, क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशीय दोष कहा जाता है। तो आप इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? आप ऐसा लिखेंगे कि किसी अदर क्रिस्टल में, किसी अदर क्रिस्टल के अंदर बाहर से अन्य जलक बिंदु इस अदर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में क्या आ जाते हैं? आ जाते हैं, जिस कारण इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। इस प्रकार से आप परिभाषा लिखना, ये तो इसकी परिभाषा। अब इसका निष्कर्ष क्या, निष्कर्ष क्या होगा? चूंकि यहाँ से बाहर से जलक बिंदु यहाँ पे प्रवेश करता है, तो इस क्रिस्टल का जो भार हो जाएगा वो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से और चीज आ गई, ठीक है। और भार बढ़ जाने से, अगर भार मतलब द्रव्यमान बढ़ गया, और द्रव्यमान बढ़ जाने से क्या जाएगा? उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। लेकिन आयतन, यानी अभी भी देखो अपना डिब्बा उतना ही है, इसमें इतने ही ज़्यादा बिंदु आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आप भर सकते हो। जैसे आपके पास कमरा है, 50 स्टूडेंट आते हैं, तो आप 60 स्टूडेंट को भी एडजस्ट करके डाल सकते हो, वैसे इसमें भी डाल दिया। तो ये क्या हो गया? इसमें आयतन क्या रहा? अब घनत्व ही बढ़ गया होगा, और अपरिवर्तित रहा होगा कौन? आपका आयतन। इस प्रकार आपका आयतन अपरिवर्तित। इस प्रकार हमने देखा अंतराकाशीय दोष क्या होता है, उससे क्या क्या निष्कर्ष करके आता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रकार में, जो कि अनेक दोष में पाए जाने वाला दोष है। तो इसमें आयनों को फोकस करना है। तो यहाँ पर मैंने अब देखे हो कि धन आयन विन आयन करके आयनिक क्रिस्टल लेके चला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्पॉटकी दोष को समझाने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आप गौर किए होंगे कि जो स्पॉटकी दोष होता है वो सेम अनायक दोषों में, जो रिक्ति का दोष होता है वो आयनिक दोषों में स्पॉटकी दोष जैसा ही होता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं पहले लाइन में कि आपके आयनिक स्पॉटकी दोष अनायक क्रिस्टलों के रिक्ति का दोष की तरह क्या करता है, कार्य करता है, तो उसी तरह क्या करता है, वो उसी तरह होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जिस प्रकार से रिक्तिका दोष में इसके अवयवी कणों को, यानी जलक बिंदु को बाहर निकालते थे, तो इसमें हम लोग धन आयन और ऋण आयन को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हम बाहर निकालेंगे। एक बात और होता है, चूंकि ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं, तो इनमें हम लोग को विद्युत उदासीनता बनाई रखनी होती है। विद्युत उदासीनता का मतलब होता है, यानी प्रारंभ में कितने उसमें धन आयन थे और ऋण आयन थे उनका अनुपात, और बाद में के धन आयन और ऋण आयन की संख्या का जो अनुपात निकलेगा वो बराबर होना चाहिए, जिससे अपनी रस समीकरण रीति बनी रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से समझता हूँ, एक धन आयन में क्या करता हूँ, इस क्रिस्टल जलक से बाहर निकालता हूँ, और एक ऋण आयन में क्रिस्टल जलक से भी बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? आपके पास रिक्ति बच जाएगी, जैसे कि रिक्ति का दोष में होता था, इसमें भी रिक्ति बच गई। तो इस प्रकार से एक धन आयन और एक ऋण आयन अगर क्रिस्टल से उसका स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को स्पॉटकी दोष कहा जाता है। परिभाषा के रूप में आप ये लिखना कि एक आयनिक आदर्श क्रिस्टल में उनके एक धन आयन, या फिर एक तरह की है कि दो धन आयन, तीन आयन, कितने भी धन आयन हो, लेकिन उतनी ही मात्रा में ऋण आयन क्रिस्टल अपना स्थान छोड़कर इस आयनिक क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो इस कारण उनके स्थानों पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार इस रिक्तिका के कारण इसमें ज्यामिति इसकी
क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, यानी कि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को क्या कहा जाता है, शॉर्ट की दोष कहा जाता है। और विद्युत क्षमता इसमें बढ़ाए रखने के लिए एक धन आयन अगर आप बाहर निकाले हो तो एक ऋण आयन को भी बाहर निकालना पड़ता है। तो आप इसमें समझ लेना कि अब इसमें दिमाग लगाओ कि इसके किसी निष्कर्ष, इसके एक और याद रखना कि इसका कारण क्या होता है, किस आधार पे शॉर्ट की दोष आता है। तो इसमें होता है सबसे पहला जो कारण है वो कारण है कि समन्वयन संख्या, कुछ समन्वयन संख्या जो होगी समन्वयन संख्या उच्च होने के कारण, समन्वयन संख्या अगर उच्च है अधिक है तो क्या होगा, आपकी क्रिस्टल जनक से धन आयन वगैरह क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार, धन आयन और ऋण आयन का जो आकार होगा वो लगभग बराबर होगा। इसलिए धन आयन और ऋण आयन के आकार लगभग बराबर होने से और समन्वय संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है, इसमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है। इसीलिए अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊँ तो जैसे समझ लो कि एक ही साइज के या फिर एक ही हाइट के, एक ही साइज के बहुत सारे व्यक्ति समझ लो एक ऑटो पे बैठे हुए हैं। अगर ऑटो जब रुकती है तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऑटो से बाहर निकल जाते हैं, जैसे इसमें धन आया धन बाहर निकल गया। तो ऐसे करके आप समझ सकते कि वो जो समन्वय संख्या इतनी ज़्यादा थी, यानी ज़्यादा लोग बैठे थे और उनकी आकार यानी कि घन आयन के आकार भी लगभग बराबर थे। इस कारण से क्या होता है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। अगर आपको इसमें निष्कर्ष देखा जाए तो दिमाग लगाओ कि इसके भार में क्या होगी, क्योंकि यहाँ से घन आयन बाहर निकल गए इस वजह से इसके भार में क्या होगी, कमी होगी होगी। और अगर भार में कमी होती है तो इस सूत्र के हिसाब से उसके घनत्व में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान में कमी होती है तो घनत्व में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा क्योंकि अब तक क्रिस्टल में कोई प्रभाव, इसके जो आयतन में लिखा गया है तो कोई प्रभाव नहीं दिखा देगा, ये हो जाएगा आपका अपरिवर्तित। और अगर स्थायित्व की बात की जाए तो दिमाग लगा इसके चुकी खाना बाहर निकल गए तो अपना जो आदर्श क्रिस्टल रहा वो आदर्श क्रिस्टल नहीं रहा, जिस कारण से इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और इसके परावैद्यता, इसके जो परावैद्यता होते हैं यानी कि जो गेपिंग होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गेपिंग में परावैद्यता भरा हो जाता है, माध्यम का परावैद्यता होता है, उसमें कोई प्रभाव आपको नजर में नहीं आएगा, इसलिए परावैद्यता भी ना रहना आपका अपरिवर्तित रहता है। इसलिए इस प्रकार से हमने शॉर्ट की दोष को समझ लिया। अब आते हैं फ्रेंकल दोष में। फ्रेंकल दोष को आप देख पा रहे होंगे ये अनैरेट होता है, अंतरकाशी दोष की तरह क्या होता है, आपका फ्रेंकल दोष कहलाता है। आप पहले नहीं मिल सकते हैं कि अनैरेट होता है कहे जाने वाले अंतरकाशी दोष क्या होते हैं, फ्रेंकल दोष की तरह क्या होते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें होता क्या। मैं आपको एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल लिया हूँ, जिस प्रकार से अंतरकाशी दोष से अंतरकाशी स्थान में क्या होते हैं, क्रिस्टल बाहर से आ जाते हैं या फिर जलक बिंदु आते थे, इसमें आयन जो होंगे वो बाहर से नहीं आएंगे, इसी के अंदर का क्या होगा, धन आयन बाहर निकल के अपने स्थान छोड़कर खाली स्थान यानी कि अंतरकाशी स्थानों में चले जाएंगे। तो समझ लो अब इसमें क्या बात होती है, इसमें मैं धन आयन को लेकर के अंतरकाशी स्थान में रखूँगा, क्यों रखूँगा, इसको इसके बाद आपको पता चलाएगा। तो मैं यहाँ से एक धन आयन यहाँ से आपकी जगह को हटा करके मैं अंतरकाशी स्थान, इसको अंतरकाशी स्थान बोला जाता है, इसमें जाके रख दूंगा। ठीक है, इसमें क्या, इससे अंतरकाशी वाली बात आ जाएगी और अंतरकाशी की वाली जो बात आती है उसे फ्रेंक का दोष पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सिस्टम गड़बड़ा जाता है, इस प्रकार के दोष को फ्रेंक का दोष कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप कैसे रखेंगे, इसमें एक ही आयन को आप रूप करना, ठीक है, आप चाहो तो कितने भी धन आयन घुसा सकते। ठीक है, तो इसमें फिर बात होगा कि फ्रेंकल दोष में उसकी आदर्श आयनिक क्रिस्टल में आदर्श आयनिक क्रिस्टल रहा होगा, तो उस आदर्श आयनिक क्रिस्टल में कोई धन आयन अपने स्थान छोड़कर उसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर में अंतरकाशीय स्थानों में चले जाते हैं और उसका स्थान हो जाता है, खाली हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, इस आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है और विद्युत उदासीनता अभी भी बनी हुई, जितने धन आयन दिख रहे हैं उतने आयन भी आपको नजर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे याद नहीं कि धन आयन को ही मैं क्यों अंतरकाशीय क्षेत्र में रख रहा था, इसका कारण ये है
कि फ्रैंकल दोष का कारण ये था कि इनकी समन्वय संख्या कम होने की वजह से समन्वय संख्या अगर कम हुआ जाए, कम या फिर निम्न अगर है, कम है, तो उस कारण से क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष पाया जाता है। और दूसरा होता है कि धन आयन का जो आकार होता है, धन आयन का आकार वो ऋण आयन की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि धन आयन रिक्ति में जाता है, क्योंकि रिक्तियों का आकार भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और धन आयन का आकार भी छोटा होने से धन आयन रिक्तियों में जाएगा, ऋण आयन का आकार बड़ा होता है तो रिक्तियों में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको उदाहरण में अगर समझाऊँ, उदाहरण ये है, सेम ऑटो वाला उदाहरण आपके पास है। ऑटो में क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हैं, छोटे छोटे व्यक्ति बैठे हैं। जब जैसे ही ऑटो में ब्रेक दिखता है तो छोटे छोटे जो व्यक्ति होते हैं वो खाली जगहों पे व्यक्तियों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है, जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है किस कारण उत्पन्न होता है, समन्वय संख्या कम होने की वजह से, और धन आयन की अगर ऋण आयन की तुलना में बहुत कम है, इसलिए धन आयन क्या होता है, व्यक्तियों पर जाते हैं। अब इस प्रकार के दोष में जो निष्कर्ष निकल के आता है उसमें आप दिमाग लगाओ, बाहर में कोई परिवर्तन हुआ है क्या। देखो यहाँ से ना कोई धन आयन बाहर निकला है, ना बाहर से कोई धन आयन निकल है अंदर आया, इसलिए इसके बाहर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको बोल देंगे अपरिवर्तित। ठीक है, और घनत्व, अब बाहर भी अगर अपरिवर्तित है तो जाहिर सी बात है उसके घनत्व भी क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, और आयतन तो हमेशा अपरिवर्तित चल ही रहा है, क्योंकि आयतन उतना ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी उसमें उतने ही आयन आ सकते हैं, इसके क्रिस्टल का आकार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और स्थायी पर अगर देखा जाए तो पहले आदर्श रूप में क्या था, स्थायी था, अपना गड़बड़ा गया, दोष उत्पन्न ना पाया, और दोष उत्पन्न आया तो स्थायी पर हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब परावैधता, चूंकि इसके खाली जगह पर क्या आ रहा है, धन आयन क्या हो रहा है, आ पा रहा है, इस वजह से इसका परावैधता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इसमें भरने की क्षमता गड़बड़ा गया वहाँ पे, अगर भर दिए तो परावैधता का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, उसके क्या क्या निष्कर्ष होते हैं और वो किन कारणों से होता है। इस प्रकार हम लोगों ने बात की फ्रैंकल दोष आयनिक दोषों में, हम आयनिक दोष फ्रैंकल दोष और अल्ट्रा एसिड दोष को अच्छे से समझा। यहाँ पे पेपर में एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो होता है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर क्या होता है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको देखते हुए इनका अंतर खुद देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ अंतर क्या होना चाहिए, कि आप शॉटकी दोष के बारे में कैसे बताए। तो सेम उसी बताना कि शॉटकी दोष में क्या होता है, कि उसके आयनिक क्रिस्टल में, आदर्श आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में क्या निकल जाते हैं, क्रिस्टल से अपने स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। और इसके अगर आप देखेंगे फ्रैंकल दोष में तो आपको क्या मिलेगा, कि इसके आदर्श आयनिक क्रिस्टल में कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्तियों में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। तो इसका जो परिभाषा है आप जो बताएं वही उसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ये हो गया पहला अंतर। और अगर दूसरा अंतर अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे बताया था कि शॉटकी दोष जो होता है वो अन्य दोषों के रिक्ति का दोष की तरह होता है, ये हो गया दूसरा। और फ्रैंकल दोष क्या होता है, अंतर अन्य दोषों में अंतराकाशीय दोष की तरह होता है फ्रैंकल दोष, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा। तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में ये हो जाएगा कि आपने ये देखा इसका जो कारण था शॉटकी दोष का जो कारण था कि समन्वय संख्या कुछ होती है और इनके धन आकार लगभग बराबर होता है, तो ये तीसरे अंतर में हो गए। और इसके अगर तीसरे अंतर में देखा जाए तो इसकी समन्वय संख्या क्या होती थी, कम होती थी, और धन आयन आकार क्या होता था, कम होता था। ठीक है, तो तीसरे अंतर हो जाएगा, उसको आप तोड़ करके तीन चार अंतर और बना सकते थे। और अगर देखा जाए चौथा अंतर, तो निष्कर्ष में आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता था कि इसके शॉटकी दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल के भार में कमी आ जाती थी, जबकि फ्रैंकल दोष के कारण के भार क्या होता था, अपरिवर्तित था। इसी प्रकार शॉटकी दोष के कारण के घनत्व में कमी आ जाती थी, तो ये पांचवा अंतर हो जाता है, इसका चौथा अंतर ये था, और इसके क्या होता है, घनत्व क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, जिसमें पांचवा अंतर ये हो जाता है। और बाकी अगर देखा जाए तो परावैधता मेरे को अलग लग रहा है, तो शॉटकी दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का परावैधता क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, जबकि फ्रैंकल दोष में परावैधता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका छठवां अंतर हो जाएगा।
और जो सातवां अंतर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं नहीं बता पाया तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल है यानी किस प्रकार के ठोसों में हाइड्रिक ठोसों में क्या पाया जाए, सॉल्ट क्यूल्स पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे एन ए सी एल है सोडियम क्लोराइड, के सी एल है और आपके पास सी ए सी एल सीडियम क्लोराइड, ठीक। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई जिसमें सॉल्ट क्यूल्स पाया जाएगा। अब मैं इसमें फिलिकल वस्तु बताऊँ तो ए जी बी आर है, ए जी बी आर सिल्वर क्लोराइड, ए जी सी एल सिल्वर क्लोराइड और जेड एन एस जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो तीन उदाहरण मैं इसमें लिखा हूँ इसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है, तो ये आपका सातवां अंतर में हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर होते हैं उसको भी देख लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में रस फ्रेंकल दोष को अच्छे से समझा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।